के सियासी महासमर का आगाज हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है नेताओं के बीच जुबानी जंग का सिलसिला भी। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन वोटिंग से पहले कैसा है दिल्ली की जनता का मिजाज, 5 साल में कितनी बदली है दिल्ली की तस्वीर, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीट कृष्णा नगर का रुख किया। इस क्षेत्र में भी 4 वार्ड आते हैं, अनारकली वार्ड, घोंडली वार्ड, गीता कॉलोनी वार्ड और कृष्णा नगर वार्ड। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहले इसका एक बड़ा हिस्सा गीता कॉलोनी विधानसभा में आता था और परिसीमन के बाद इसको बदल दिया गया। यहाँ हर आयु वर्ग, हर धर्म जाति के लोग भी रहते हैं। माना जाता है कि ये अनाधिकृत कॉलोनियों के का बड़ा हिस्सा भी यहाँ पर है, लेकिन इस बीच व्यापारी वर्ग यहाँ पर बड़े संख्या में रहता है ऐसा माना जाता है। पंजाबी बहुल और साथ ही साथ जो वैश्य जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है यहाँ पर। इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा था 1993 से लेकर 2015 तक, लेकिन 2015 में किरण बेदी जो यहां से चुनाव लड़ी थी उन्होंने उनको पटकनी दी, एसके बग्गा आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने पटकनी दी। और अब जो इस सीट की क्या स्थिति है, क्या यहां के मुद्दे हैं, किन विषयों पर 2020 का चुनाव लड़ा जाएगा, इन सब के बारे में हम आपको एक बताएंगे और क्या 5 साल में इस विधानसभा की तस्वीर बदली ये भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। 1993 में विधानसभा गठन के बाद से 2013 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। 5 चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन इस सीट से लगातार जीतते रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस जीत को हथिया लिया। वर्तमान में यहां से आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा विधायक है। एसके बग्गा ने बीजेपी उम्मीदवार किरण बेदी को हराया था। कृष्णानगर को पूर्वी दिल्ली का दिल कहा जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड आते हैं, कृष्णानगर, घोंडली, अनारकली और गीता कॉलोनी। इस विधानसभा में विकास की कैसी है तस्वीर और क्या है समस्याएं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले घोंडली वार्ड में पहुंची। चुनावी चकल्लस करनी हो तो फिर चाय सबसे बेहतरीन रहती है और चाय के साथ साथ चाय की दुकान सबसे बेहतरीन रहती है, जहां पर आप लोगों से जान सकते हैं कि आखिर वो इलाके में चल क्या रहा है। हम कृष्णानगर विधानसभा पहुंचे हैं। इस विधानसभा की ये घोंडली वार्ड है, 4 वार्ड्स आते हैं जिसमें घोंडली वार्ड, कृष्णानगर वार्ड, गीता कॉलोनी वार्ड और इसके साथ साथ अनारकली वार्ड। ये चारों वार्ड्स में से एक वार्ड में हम पहुंचे हैं जहां चाय की दुकान पर हैं हम, और उनसे बात करते हैं कि आखिर इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में राय क्या है। आप बताइए, युवा हैं आप इलाके में वोट करने जाएंगे जिस दिन 8 फरवरी को, क्या मुद्दे जहन में लेके जाएंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि हमारे को रोजगार मिले। हम यंगस्टर हैं, हमारे पे रोजगार की कमी है। कोई भी सरकार है, जैसे सेंटर में मोदी जी हैं और दिल्ली सरकार है अपनी केजरीवाल जी, इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा, बेरोजगार को लिए कि हमारी कोई नौकरियाँ लगवाएं, आगे कुछ करें। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहला मेरा वोट डालने का मकसद ये होगा कि मेरे को रोजगार मिले। इलाके में इस टाइम जो काम कर रहे हैं बग्गा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुराई काम में नहीं कर रही हूँ। सड़कें बनाई हैं, अस्पताल सब चीज़ सही है, बढ़िया बनाए हैं, सारे मुद्दे अच्छे हैं। लेकिन हमारे को जो मिलना चाहिए, ऐसे हमारे को पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन का कोई इंतजाम नहीं करा हमारे लिए। बाकी तो काम अच्छा कर रहे हैं, काम में कोई बुराई नहीं है उनके। इलाके में क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? सर, सिवाय समस्याओं के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, आप कैमरा घुमा के जरा देखिए, वहां से लेके वहां तक क्या समस्या देखिए। अतिक्रमण, फ्री कुछ नहीं चाहिए, क्यों देते हो फ्री में? फ्री का भिखारी बना दिया आपने दुनिया को, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, क्यों, किस लिए फ्री में दे रहे हो? आपके पास पैसा है तो कुछ बना के दो, उनको जॉब दो, फ्री मत बांटो। तो फ्री कर ही दिया केजरीवाल जी ने, बाकी सड़कें अभी तक बन नहीं रही हैं। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट किरण बेदी को 2000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। 2015 के चुनाव में आप बीजेपी के बीच स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी छाया था, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस की ओर से एसके वालिया भी कृष्णानगर के सियासी अखाड़े में ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में कृष्णानगर सीट पर मिल रही चुनौतियों से आप कैसे निपटेगी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने स्थानीय विधायक एसके बग्गा से बात की तो उन्होंने अपने विकास कार्यों पर भरोसा जताया। 5 साल में क्या आपने तस्वीर कितनी बदल पाने में कामयाब हुए, ऐसे 5 काम जो आप गिना सकें कि हाँ आपने ये किए हैं? सिद्धांत, देखिएगा, एक तो सड़कों का बहुत काफ़ी काम हुआ है, पार्कों में जिम लगवाए हैं, पार्कों का ब्यूटीफिकेशन, पानी की लाइनें बिछाई हैं नई, LED लाइट लगी हैं,
और कैमरे लगे हैं यहाँ पर, और वाईफाई भी हमने स्टार्ट कर दिया है, लगने शुरू हो चुके हैं। मैक्सिमम जो वादे किए थे वो वादे पूरे पूरे किए हमने, बल्कि वादों से भी ज्यादा काम कर दिए। स्थानीय विधायक तो वादों से भी ज्यादा काम का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीते 5 सालों में यहाँ विकास का काम पूरी तरह से ठप हो गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के जाने के बाद पिछले 5 साल में कृष्णानगर का विकास हो गया जीरो। सड़क में हो गए गड्ढे, पानी हो गया दूषित, और एजुकेशन सिस्टम में कोई साइड ऑफ टीचर्स के बेसिस पे एजुकेशन चल रही है। हेल्थ क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक्स में कुत्ते घूम रहे हैं। शमशान घाट पे देखो, ट्रांसपोर्टेशन में बसें आती नहीं, आती हैं तो 2-2 घंटे बाद आती हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाहे सड़क हो या बिजली। अब बिजली की बात करें, 200 यूनिट फ्री के नाम पर धोखा है, झांसा है। 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने फिक्स चार्जेस के नाम पर और कमर्शियल टैक्स बढ़ाने के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किया, 570 सब्सिडी, 200 यूनिट, ये सब झांसा है। बीजेपी ही नहीं, कृष्णानगर सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर ए.के. वालिया भी आम आदमी पार्टी विधायक और उनकी सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले जो विधायक साहब लड़े हैं जो आम आदमी पार्टी से, उनसे आप ये सवाल पूछिएगा कि क्या कोई दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी ने नया हॉस्पिटल शुरू किया? क्या जो है कोई स्कूल नया शुरू किया गया? कहीं कोई काम नहीं हुआ। आज दिल्ली में जो पोल्यूशन है, किस लिए पोल्यूशन? आफ्टर हमारी सरकारें नहीं हैं तब तो कभी ऐसी बात नहीं हुई पोल्यूशन की। आज हर एक आदमी पोल्यूशन से परेशान है। नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग के बीच इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर वार्ड में पहुंची और यहां विकास का हाल जाना। कृष्णानगर विधानसभा की स्थिति जानने के लिए अब हम पहुंचे हैं गीता कॉलोनी वार्ड के शास्त्री पार्क में। ये अलग जगह है, एक और पड़ाव है शास्त्री नगर का, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर यहां लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोग सोचते क्या हैं, और विधानसभा में जब 8 तारीख को वोट करेंगे तो फिर उनके दिमाग में क्या बातें होंगी। कृष्णानगर के शास्त्री नगर वार्ड में सड़कों पर जहां तहां कूड़े का ढेर दिखा, कई जगह हादसों को दावत देती खुली हुई नालियां भी दिखी। यहां नालियों के ओवरफ्लो होने की शिकायतें आम हैं, तो वहीं दूषित पेयजल की सप्लाई भी यहां के लिए एक अहम मुद्दा है। यहां समस्या बहुत है, यहां बारिश आता है, ये नाली भर जाती है, घरों के दरवाजों से निकलना मुश्किल हो जाता है। दिक्कत तो बहुत होती है यहाँ। तो हमारा तो मन ही नहीं है कि वोट दें, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी में देना पड़ता है, किसी को भी जाए वोट। लेकिन जब हमारा ये हल ही नहीं होता तो क्या करें, प्रॉब्लम यही है। लेकिन हमारे तो ये गली में जो भर जाती है, निकलने में रास्ते में इतनी दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे तक डूब जाते हैं। कई जगह है ना, हमारे शास्त्री नगर में लिया जाए तो है ना, अभी पानी कई जगह साफ़ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है लोगों को। कई गलियों में है ना, जिस तरीके से सड़कें बना दी जाती हैं और फिर बाद में फिर खोद दी जाती हैं, फिर तारें डलनी चालू हो जाती हैं, जिसकी वजह से नालियाँ भी बंद हो जाती हैं, बारिश आती है, बारिश की वजह से परेशानी होती है, नाले बंद हो जाते हैं। नहीं, पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गया है, जो बात है हर चीज़ का बेहतर है, सड़क का भी है, पानी का भी। लैंड डली हुई थी, ख़राब थी, अब लैंड डलवाई है इन्होंने, पहले से पानी भी थोड़ा सा बेहतर होया। सर, बदलाव काफ़ी आया है, बिजली पानी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत थी, वो भी दूर हो गई है, और काम अच्छा किया बग्गा जी ने यहाँ पे, और लाइट वगैरह की भी सुविधा बहुत पहले से बढ़िया है। जो जैसे हालात होने चाहिए वैसे हालात नहीं है, फिर भी यही है, आगे थोड़ी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। अब ये पता नहीं, ये कैमरे लगाए तो हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये गॉड नोज, जब तो हमें पता नहीं चलेगा हम कैसे कहते हैं कि चल रहे हैं चल रहे हैं। दिखते हैं अभी ये सड़कें वगैरह सब कोई भी IGT है अभी बिल्कुल है। अभी यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ रेहड़ी वाले इतने लोगों को परेशान करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब दुनिया यहाँ में, मतलब यह सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यहाँ जो प्रॉब्लम हल होनी चाहिए वो हल नहीं हुई अभी तक। नालियों के ओवरफ्लो होने और सड़कों पर जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक MCD को कोस रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता जल बोर्ड और केजरीवाल सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तब देखिएगा कि नालियाँ सारी बंद हैं, EDMC के लोग काम नहीं करते, ना इनके कौंसलर आते हैं इलाके में। मैं यहाँ पर सुबह 7 बजे आता हूँ अपने ऑफिस में, 11 बजे तक मेरे पास 1,000 से लोग ज़्यादा आते हैं, उसके बाद मैं एरिया में घूमता हूँ। मैं इनको कह चुका हूँ कि नालियाँ आप बनाइए, नालियाँ कम से चलवाइए तो सही, बनाने का आपका पैसा नहीं है। ये विधायक इनके कौंसलर यही कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है, जबकि हमने 3 गुना पैसा दिया है, ऑन रिकॉर्ड है,
जो वाटर मैनेजमेंट है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये काम है जल बोर्ड का। और ये सारा पानी जो नालियों में आज बहाया जा रहा है, ये सारा पानी सीवर लाइन के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट पे जाना चाहिए था, इसे साफ़ करके जमुना जी में बहाया जाना था। लेकिन यहाँ के जो विधायक है और जो सरकार है, उसने उसकी मैनेजमेंट नहीं की। सीवर ओवरफ्लो करते हैं, नालियों के अंदर पानी जाता है, जिसे हमारे कर्मचारियों को मैनेज करना पड़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट की दुहाई दे रहे वार्ड पार्षद संदीप कपूर से जब सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर के बारे में सवाल पूछे गए, तो सफाई में वो नई स्कीम का हवाला देने लगे। कूड़ा जो आप पूरे इलाके में देखिए, कूड़ा सुबह 10 बजे तक गलियों में साफ होता है, वो ढलाव घरों में आता है। ढलाव घर में जरूर कूड़ा दिखता है, क्योंकि आज जो सिस्टम है उसमें रात को 11 बजे हमारे ट्रक आते हैं, वो उठाते हैं। लेकिन हमने नई स्कीम लगा दी है, और इस स्कीम के तहत आने वाले दिनों में ढलाव घरों में आपको कहीं कूड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो कूड़ा गलियों से इकट्ठा किया जाएगा, गाड़ियों के थ्रू दिन भर ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ जहाँ उसे पहुँचाना है, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, चाहे गाजीपुर की लैंडफिल साइट है, सीधा वहां जाएगा। शास्त्री नगर इलाके में सड़कों से लेकर सीवर तक बीते 5 सालों में कितना कुछ बदला है, वो आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लिया। और अब कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के रियलिटी चेक में हमारी टीम का अगला पड़ाव था कृष्णा नगर का लाल क्वार्टर मार्केट। जैसे कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है, ठीक वैसे ही पूर्वी दिल्ली में लाल क्वार्टर मार्केट जो कृष्णा नगर में है, उसको दिल्ली का पूर्वी दिल्ली का दिल कहा जाता है। इस मार्केट में आपको शॉपिंग के लिए तमाम चीज़ें मिलेंगी। आप बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो लोगों की आवाजाही इस मार्केट में रहती है। पिछले चुनाव तक इसमें जाम की एक बड़ी समस्या थी, पार्किंग की एक समस्या थी। अभी इसे पेडिस्ट्रियल रोड वॉकिंग स्ट्रीट कर दिया गया है, यानी पैदल आने आने वाले लोग जो हैं वो इसका लुत्फ उठा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और अब यहाँ पर इस कृष्णा नगर वार्ड में जहाँ हमारा आखिरी पड़ाव है, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या लोग सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, और विधानसभा चुनावों में वो अपनी किस राय के मद्देनजर वोट करेंगे, इसको जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। लाल क्वार्टर मार्केट की तस्वीर बदली हुई नजर आई। पहले यहाँ भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या आम थी, लेकिन अब सिर्फ शॉपिंग करते लोग नजर आए। एमसीडी ने बाजार की करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को बैन कर दिया है, लेकिन मार्केट के कारोबारी की क्या राय है, ये जानने के लिए जब हमने उनसे बात की तो उनका दर्द कुछ इस तरह छलक उठा। 5 साल में तस्वीर ये बदली है। पहले यहाँ रोड पे कोई बाजार नहीं होता था। आप सैटरडे को यहाँ पर आइए, ट्यूसडे को यहाँ पर आइए, आप अगर कोई इमरजेंसी में कोई आपके साथ पेशेंट गाड़ी में बैठा है, मैं नहीं पहुँच कह सकता कि वो हॉस्पिटल पहुँचेगा, वो बेचारा यहीं परेशान हो जाएगा, वो और उसका पूरा परिवार। इतना जाम है ना, तो यहाँ विधायक देखता, ना पुलिस देखती, ना एमसीडी देखती। कौन काम करने को राजी है? कोई तो काम करने को राजी नहीं हो रहा यहाँ का। मुद्दे क्या, काम धंधे है नहीं है, वोट क्या करें, किसको दें वोट? काम धंधों की रेड़ मुड़ी पड़ी है। अब जो पार्टी आती सब अपनी अपनी बोलती है। हम तो कहते हैं कि भाई देखो, जो आदमी अच्छा आएगा मैं उसे ही वोट दूँ। लाल क्वार्टर मार्केट और इसके आसपास के इलाके में विकास की कैसी तस्वीर है, सड़क बिजली और पानी को लेकर स्थानीय लोगों की क्या राय है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तस्वीर तो कोई नहीं बदली, जहाँ काम रुका वहीं रुका हुआ है। गंदगी इतनी है, ढेर लगे रहते हैं, नालियों में पूरी भरी रहती है। सड़कें टूटी है तो कोई बनाने नहीं आता, अगर बनी हुई सड़कें हैं तो वो भी दूसरे दिन टूट जाती हैं, नालियाँ पूरी भरी रहती हैं, यही समस्या है। कभी दी गई 5 साल से पानी, प्रॉपर पानी आ रहा है, बुरा अच्छा है। मेन जो मुद्दा है यहाँ की मार्केट में समस्या है, जो पार्किंग का समस्या है, ट्रैफिक का समस्या है, आगे दुकानों के आगे सामान रखने की समस्या है। बहुत बदलाव आया सर, हर चीज़ का बदलाव आया यहाँ पर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना कोई इतना वो भी नहीं है कि हर पहले कस्टमर आता था लाल क्वार्टर में डरता था, इतनी चेन स्नेचिंग होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन इस टाइम पर कोई ऐसी वारदात नहीं होती यहाँ पर, और पानी वानी बिजली की समस्या कोई भी किसी को दिक्कत परेशानी। ट्रैफिक से जूझते आम लोग और अतिक्रमण से जूझते कारोबारियों की समस्या का सारा दोष स्थानीय विधायक एमसीडी और पुलिस पर डाल रहे हैं, वो केवल अपने हिस्से की उपलब्धियों को गिनाते रहे। देखिएगा, एनक्रोचमेंट एमसीडी पुलिस के हाथ में है, ये दोनों केंद्र के अंडर हैं, बीजेपी शासित है एमसीडी में, तो 15 साल से वो शासित हैं, लोग बड़े परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं कि सफाई नहीं होती, कूड़ा इतना निकला हुआ है, नालियाँ साफ़ नहीं हैं। इनके काम भी हम कर रहे हैं, सड़कों का, पार्कों का काम इनका है। सीएम साहब ने मैक्सिमम कोशिश की है, विधानसभा में पास करवा के बिल पास करवाए हैं कि आप पब्लिक को नुकसान नहीं करें, पब्लिक का काम करें। पानी गंदगी जो बात है सर, मैं मैक्सिमम पानी की हमने लाइनें नहीं बिछाई हैं, लेकिन यहाँ पर ये पाइप जो डले हैं 30-35 साल पुराने हैं, किसी ने कोशिश नहीं की पाइप बदलने की। हर चीज़ की मियाद होती है, लाइफ होती है, एक इंसान की भी लाइफ होती है, लाइफ के बाद वो चीज़ें यूजलेस होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पानी की लाइनें ठीक करवाने की, नहीं डलवाने की, और सीवर के लाइन भी मैं डलवा रहा हूँ नहीं।
दिल्ली के सियासी महासमर में जीत हासिल करने के लिए हर पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। बीजेपी तो सड़क, बिजली, पानी और सीवर जैसी समस्याओं को एक साल में खत्म कर देने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शीला सरकार की 15 साल की उपलब्धियों का बखान कर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी। 5 साल में उसके झांसे, उसके झूठ को बग्गा जी के माध्यम से देख लिया गया है कि क्या है, कहते कुछ है, करते कुछ है, पहली बात। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो सड़क, बिजली, पानी है, ये मुद्दे तो मुझे लगता है हम पहले 1 साल में ही खत्म कर देंगे और उसके बाद करेंगे कृष्णानगर का विकास की बात। उसके लिए चाहे कृष्णानगर का सांस्कृतिक सेंटर हो, कल्चरल सेंटर हो या स्किल सेंटर हो, जो स्कूलों में कमरे बढ़ाना हो, मोहल्ला क्लिनिक्स को क्या किया उन्होंने, एक डिस्पेंसरी बना के छोड़ दिया। हमारा तो कहना है कि उनमें हम डॉक्टर्स देंगे और बेहतर देंगे। हमने दिल्ली में 65 फ्लाईओवर बनाए हैं, 60 के करीब फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं, 38 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि 24 आवर शुरू किए गए, जिसमें से 21 नए थे। कृष्णानगर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में 20% ब्राह्मण और 20% पंजाबियों की आबादी है। हर चुनाव में ये दोनों ही समुदाय निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस इलाके में 11% सिख वोटर भी रहते हैं, तो वहीं 12% वैश्य और 10% मुस्लिम, जबकि 8% अनुसूचित जाति के वोटर नेताओं के भाग्य का फैसला करते हैं। फिलहाल दिल्ली के सियासी महासमर में वार पलटवार का खेल जारी है। वोटरों को लुभाने के लिए एक बार फिर से वादों और दावों का दौर जारी है। ऐसे में कृष्णानगर की जनता का जनादेश किसके पक्ष में आएगा, ये 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। ये कृष्णानगर की जनता है और जनता कहते हैं जनार्दन होती है, वो सब जानती है, वो बताती है कि क्षेत्र में मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है, टूटी सड़कें हो, फैला कूड़ा हो या फिर बाकी जो विकास के कार्य हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने अपनी राय रखी और जब जनता अपना निर्णय सुनाएगी तब इस क्षेत्र के विधायक का फैसला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता मोहित बख्शी से खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये जो सोशल मीडिया पे खींचतान चल रही है, अच्छी लेवल पर हो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके की ये हो रही है दोनों ही तरफ से, आपकी तरफ से भी वो वीडियो डाला गया और अब उनकी तरफ से ऐसा वीडियो जिसमें सांप्रदायिक दिखाया गया अरविंद केजरीवाल को। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप देखिए किस तरीके का नफरत का पूरा उन्होंने एक अपने ट्विटर मीडिया, अपने सोशल मीडिया, अपने ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से वो एक नफरत फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमने कोई ऐसा डिफेमेटरी काम नहीं किया है। दिल्ली चुनाव से जुड़ा कि आगे क्या रणनीति है और कब तक टिकटें अनाउंस हो रही हैं, क्या करने जा रहे हैं आप, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का। बस जल्दी ही सब तस्वीर साफ हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी तस्वीर, एकदम तस्वीर साफ हो जाएगी टिकटों को लेकर। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर खींचतान चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भाजपा भी ट्वीट कर रही है वो भी बहुत ज्यादा गंभीर है और उसको लेकर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की बात भी आम आदमी पार्टी कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।